हाँ वहीं रख दे, दिख रहा है मुझे सब, दिख रहा है, वहीं रख दे भाई। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, सनी मिश्रा आपका स्वागत है दोस्तों। टेक काफ़ी आगे बढ़ गया है और स्मार्ट कैम निकल गया है, जहां पे आप लो बजट में मतलब कि कम प्राइस में एक स्मार्ट कैम खरीद लो और उसको आप कहीं भी आप सेट कर लो और उसको आप वाया वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके कहीं भी आप डाटा के थ्रू उसको आप व्यू कर सकते हो। आप हो सके आप इंडिया के बाहर रहो या कहीं भी आप कोई भी जगह में रहो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके आप जो है उसको व्यू कर सकते हो कि आपके जो है घर में जहाँ भी अब लगाया हो वहाँ पे क्या चल रहा है और आप शॉप भी मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे ही मैं यहाँ पे एक स्मार्ट कैम लिया हूँ जो रियलमी 360 स्मार्ट कैम, और स्मार्ट कैम काफ़ी सारा निकला हुआ है, जैसे MI की तरफ से निकला हुआ है, टी पी लिंक की तरफ से निकला हुआ, और भी बहुत सारे कंपनी ने निकाला है स्मार्ट कैम। बट यहाँ पे रियलमी स्मार्ट कैम लेने के पीछे एक कारण है जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा इसका क्या फीचर्स है, एक्स्ट्रा में आपको क्या फीचर्स मिलता है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग को इस रियलमी स्मार्ट कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ये 360 स्मार्ट कैम, और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं इसका अनबॉक्सिंग से और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है और इसका फीचर्स क्या है और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलिए दोस्तों बात करते हैं रियलमी स्मार्ट कैम के बारे में। तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स पैक मिल जाता है, येलो कलर का बॉक्स मिलता है और यहाँ पे पीछे में काफ़ी सारा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे आपको 1080p का फुल रेजोल्यूशन मिल जाता है, इसमें स्मार्ट कैम फीचर्स है और काफ़ी सारा फीचर्स यहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को पहले देखने को मिल जाता है ये कुछ बॉक्स जिसके अंदर सारा कंटेंट है कि आप कैसे लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल दिया जाता है, यहाँ पे आपको एडेप्टर दिया जाता है, यहाँ पे कुछ आपको नट्स भी प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप जो है फिटिंग कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे नीचे मिलता है आपको कैमरा जो कि काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है, और इसमें आपको स्टिकर्स भी मिलता है जो कि आप लगा सकते हैं, इसको स्टिकर्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप इसको स्टिकर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, कहीं भी आप लगाओगे वॉल माउंट करोगे तो। चलिए तो यहाँ पे जो है स्मार्ट कैम को आप जब सेटअप कर लोगे तो एक रियलमी का लिंक है, रियलमी लिंक जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद जो है सेटिंग्स काफ़ी ईजी है, ब्लूटूथ ऑन करके जो है आपको सेटिंग्स कर लेना है। तो जैसे ही आप रियलमी ऐप यहाँ पे रियलमी लिंक ऐप जैसे ही आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे व्यू मिलता है कि आपका जो है क्या व्यू आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल में क्लिक करते हो तो कंट्रोल में आप कंट्रोल कर सकते हो अपने कैमरा को कि किस तरह आपको जो है मूव करना है कैमरा को, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किस तरह मूव करना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंड में यहाँ पर अलार्म आता है जहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि कब आपका ये मोशन ट्रैक हुआ था और कब आपका साउंड डिटेक्ट हुआ था, उस टाइम का ये दिखाएगा आपको कब ये अलार्म हुआ था, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस डेट में हुआ था और व्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो रिप्ले में, तो रिप्ले में यहाँ पे आप लोग को देखो दिखता है कि आप डेट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि कब आपको रिप्ले देखना है और प्रीवियस वीडियो आपको कब देखना जो है, ये सेव भी करता है, तो ये सेव वीडियो आपको जो जब देखना हो तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि डेट यहाँ पे जो है आपको कब का देखना है, जैसे कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो 10 तारीख या 12 तारीख जो भी सिलेक्ट कर लो कि कर दो, तो यहाँ पे आपको उस दिन का जो है वीडियो दिखाया जाएगा यहाँ पर, और वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पर रिप्ले में आप देख सकते हो सारा चीज़। यहाँ पर कॉल का फंक्शन है जहाँ पर आप जो है माइक्रोफोन के द्वारा जो है बात भी कर सकते हो, यानी कि इसमें एक स्पीकर भी है और माइक्रोफोन भी है जहाँ कि आप बात भी कर सकते हो या अगला को कुछ बोलना चाहो तो कॉल के दौरान बोल भी सकते हो, जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है और वहाँ से आपकी जो है बात भी हो पाएगी कॉल को, कॉल की फीचर से। अब फोटोज़ में अगर आप जाओगे तो फोटोज़ में आप अगर आप फोटोज़ लिए हो यहाँ पर तो फोटोज़ आप जो है व्यू कर सकते हो। फोटोज़ लेने के लिए जो है आपको यहाँ पर ऊपर में जो स्क्रीन है यहाँ पे जो सीज़र का स्क्रीन है वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आप फ़ोटो जो है कट करके जो है सेव कर सकते हो, ये फ़ोटोज़ में सेव हो जाएगा और ये फ़ोटोज़ में जाके आपको दिखेगा। यहाँ पे पास ही में जो है वीडियो कैमरा का एक आइकॉन है जहाँ पे आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो अपना वीडियो, कहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, फुल HD में आपको रखना है या HD में रखना है ये भी आप रख सकते हो,
और आपको फुल व्यू में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फुल एचडी के पास वाला आइकन में क्लिक करोगे तो आपका ये फुल व्यू हो जाएगा। इसको आप जूम भी कर सकते हो चाहो तो, जूम ये हो जाएगा, और जूम करके जो आप इसको मूव भी कर सकते हो। और चलिए, तो काफ़ी बेसिक सा फीचर्स है दोस्तों, और ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रियलमी कैम का। और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो आप लोगों को सेटिंग्स में यहाँ पे पहला आएगा शेड्यूल, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि कब आपके कैमरा को ऑफ करना है, कब आपके कैमरा को ऑन करना है। यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो। इमेज सेटिंग में जाओगे तो रोटेट इमेज में रोटेट 180 डिग्री, 360 डिग्री, डू नॉट रोटेट, ये सब जो आप क्लिक कर सकते हो। इमेज क्वालिटी में फुल एचडी में रखा हूँ, नाइट व्यू में ऑटो में रखा हूँ, नाइट व्यू में आप जो है टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, एंटी फ्लिकर में 50 हर्ट्ज रखा हूँ, और डिस्टॉर्शन करेक्शन में मैं ऑन रखा हूँ ताकि आपको डिस्टॉर्ट इमेज कम मिले। आप जाते हो तो अलार्म पुश मैसेज का सेटिंग है, ठीक है, इसको आप ऑन रख सकते हो ताकि कुछ भी अगर जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है अगर आप ना हो तो वहाँ पे अगर कोई भी छेड़छाड़ हो तो ये आपका फ़ोन में जो है मैसेज नोटिफिकेशन आ जाए। और शेड्यूल अलार्म, यानी कि आप अलार्म को ऑन कब करना है, जैसे कि आपको आप जैसे शॉप में लगाए हो अपने, तो रात को आपको जो है ऑन कर देना है 10 बजे, आप जैसे 9 बजे शॉप बंद करते हो रात को, तो 9 बजे आप जैसे ऑन कर दोगे या 8 बजे ऑन कर दोगे और सुबह तक आपको रखना है, तो रात भर में कुछ भी वहाँ पे मोशन होगा या कुछ भी साउंड डिटेक्ट होगा तो यहाँ पे आपका जो अलार्म आ जाएगा। तो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपको ऑन कब रखना है और ये ऑफ कब होगा अलार्म। अब मोशन में अगर जैसे आप ऑन रखोगे तो ये मोशन को ट्रैक करना शुरू कर देगा, यानी कि अगर कुछ भी सामने में मोशन होगा तो ये आपको अलार्म नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा। अलार्म सेंसिटिविटी में आप जो है मीडियम, स्ट्रॉन्ग, लाइट, जो भी है हाई, लो, मीडियम रख सकते हो जहाँ पे आपकी अलार्म सेंसिटिविटी है। और ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन का एक फीचर है जहाँ पे आपको पता चलेगा एक्चुअली कोई ह्यूमन गया है कि नहीं अंदर, और ह्यूमन का बॉडी डिटेक्ट होते ही ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा, तो इसको आप ऑन रख सकते हो। साउंड अगर आप ऑन रखोगे तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे काफ़ी सारे साउंड आते रहती है, तो एक अगर गाड़ी भी जाती है वहाँ से गुजरती है अगर हॉर्न मार के तो ये डिटेक्ट कर लेता है और नोटिफिकेशन भेजता है। तो ये आप ऑन कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, मगर अगर साउंड डिटेक्ट करेगा ये तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। तो काफ़ी सारा यहाँ पे अलार्म सेटिंग में काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया है। अब चल जाते हैं पैन टिल्ट में, तो मोशन ट्रैकिंग है कि जैसे ही कोई भी ह्यूमन बॉडी मूव करेगा, जैसे कि आपका कैमरा लगा हुआ है एक वॉल पे और जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी कोई वहाँ पे मूव करेगा तो वो उसी के साथ कैमरा भी, कैमरा का लेंस जो है वो भी मूव करेगा। और यहाँ पे पैन टिल्ट कैलिब्रेशन है तो ये आप यहाँ पे ऑन रख सकते हो मोशन ट्रैकिंग। स्टोरेज सेटिंग में जाओगे तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये है कि MI 360 में आपको 64 GB का शायद 64 GB का आपको जो है सपोर्ट मिलता है SD कार्ड का, बट यहाँ पे आपको 128 GB का सपोर्ट मिल जाता है जहाँ पे आप 128 GB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो मेरा ये 32 GB का SD कार्ड लगा हुआ है जहाँ पे ये मतलब कि काफ़ी लो स्टोरेज लेता है, मतलब कि अगर एक वीडियो आप लोग 10 मिनट का वीडियो होगा तो मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम 5-10 MB लेगा, तो हिसाब से काफ़ी लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो उसमें। बट ये केस MI में नहीं है, MI में जो है आपका काफ़ी बड़ा फाइल साइज हो जाता है, बट यहाँ पे फाइल साइज़ काफ़ी छोटा है। और ये मेमोरी कार्ड जो है 128 GB तक सपोर्ट करता है, 128 GB तक सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप 128 GB का अगर SD कार्ड लगाते हो तो ये ऑटोमेटिक जो है उसमें रिकॉर्डिंग करके सेव करेगा, और जैसे ही 128 GB फुल हो जाएगा वैसे ये ऑटो डिलीट कर देगा और उसके बाद सेकंड रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। तो ये एक यहाँ पे खासियत है रियलमी कैम में। वीडियो रिकॉर्डिंग आप जो है ऑन रख सकते हो, रिकॉर्डिंग मोड कंटिन्यूस में है, फॉर्मेट आप चाहो तो SD कार्ड को यहाँ कर सकते हो। मोशन ट्रैकिंग हुआ, अगर ह्यूमन बॉडी कोई भी वहाँ पे जाता है कैमरा के सामने और आप अगर वहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे पूरा ट्रैक करेगा और नोटिफिकेशन भी संग संग आपको देगा, जो कि आप देख सकते हो वहाँ पे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हलचल हो रहा है। तो गाइस, मैंने इसमें जो है नाइट मोड भी चेक किया, और ये नाइट मोड में मतलब कि जब अंधेरा हो जाता है पूरा, नाइट मोड में ये काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और काफ़ी आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कैमरा का लुक मिल जाता है, और इसको आप जैसे ही ऊपर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आप SD कार्ड लगा सकते हो, यहाँ SD कार्ड लगाने की जगह है, और ये जो है इसको यहाँ पे पुश करोगे तो यहाँ पे आप SD कार्ड जो है
आप ऐसे पुश करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लग जाएगा, और ये जो है इसको आप छुपा भी सकते हो। तो SD कार्ड आपको यहाँ लगाने का जगह है, उसको फिर इसको डाउन कर दो, ये छुप जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा SD कार्ड कहाँ पे लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी दिया SD कार्ड लगाने का। यहाँ पे प्राइस है 2900, कभी कभी ये 3000 भी दिखाता है अमेज़न पे, बट यहाँ पे 2600 में लिया था, इसे बाय किया था और काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये रियलमी कैम। आई थिंक MI 360 से मुझे बेटर लगा, MI 360 मैं यूज़ नहीं किया हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्मार्ट कैंप है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक दबा दो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी सारे कंटेंट लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक दबा देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जस्ट टेक केयर, और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा अपना ख्याल रखना।